क्योंकि सब बड़े यूट्यूबर, उनको तो पता होता है हर चीज़ की नॉलेज होती है, हम जो नए यूट्यूबर हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हम सारी चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको विकी, आप देख रहे हैं विकी द यूट्यूबर। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं आज की वीडियो है कमाल की धमाल की, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में से बात करने वाले हैं दोस्तों जो न्यू यूट्यूबर है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं दोस्तों कि हम जो वीडियोस बनाते हैं दोस्तों किस कैटेगरी में डालते हैं कि हमारा जो वीडियोज़ वायरल हो जाए या व्यूज़ अच्छे आ जाए और टाइमिंग क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो काफ़ी न्यू यूट्यूबर इस तरह से परेशान रहते हैं दोस्तों, तो आज उनकी प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाला इस वीडियो के अंदर दोस्तों। फर्स्ट टाइम शायद इस वीडियो को आपको देख रहे हो यूट्यूब पर, इस तरह की वीडियो किसी ने क्रिएटर ने नहीं बनाई कि आप उसकी वीडियोज़ की टाइमिंग पता चले, किस कैटेगरी में डाले वीडियो, सारी बातें इस वीडियो में ही। बस सिंपल दोस्तों आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा जो मैं बताने वाला हूँ मेथड आपको किस तरह से कंप्लीट अपने चैनल्स पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों ना समझते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस मेथड को जानने के लिए दोस्तों सिर्फ वीडियो को आपको पूरा देखना, जो मेथड है दोस्तों ये बताने वाला हूं मैं आपको सिस्टम पे। तो दोस्तों हम अपने सिस्टम पे ले जाके आपको बताऊंगा इस सिस्टम को आपको कैसे वर्क करके आपको इस तरह की कैटेगरी को अपने और अपने जो टाइमिंग को कैसे जानना है और अपने वीडियोस को अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों से पहले आपसे कैंसिल, चैनल पर आप नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलते अपने सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जैसे हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए, तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल तौर पे समझाने के लिए एक वीडियो डालने से पहले आपको क्या क्या अपनी परेशानी होती है यूट्यूबर के लिए दोस्तों बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमने अपनी वीडियोस तो बना ली दोस्तों, वीडियोस बनाने का दोस्तों सबसे पहले तो हमने अपनी टाइटल वगैरह है जो आप लोगों को पता है यहाँ पे डाल देते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब डाल देते हैं, फिर थंबनेल भी डाल देते हैं। सब सिंपल डालने के बाद दोस्तों हम टैग्स वगैरह भी डाल देते हैं। अब बारी आती है दोस्तों जो टैग्स वगैरह डालने के बाद, जो हमारी वीडियोस को सबसे मेन पर्पस है कि हमने वीडियोस को वायरल कैसे हो जाएगी, अच्छे से व्यूज़ कैसे आएंगे, तो बात आती है दोस्तों कैटेगरी। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे हो कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या होनी चाहिए हमारे चैनल्स की, मतलब वीडियोस की दोस्तों, और साथ ही साथ क्या टाइमिंग में डाले जो कि हमें अच्छे खासे व्यूज़ देखने को मिलेगी दोस्तों। टाइमिंग बहुत बड़ा मैटर करता है आपको आपकी वीडियोज़ के व्यूज़ लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे टाइमिंग होते हैं वीडियोज़ कैटेगरी के हिसाब से, कुछ टाइम पर आप डालते तो आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, कुछ टाइमिंग ऐसी होती है जिस टाइमिंग पर अच्छे से वीडियोज़ डालने पर जो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस की टाइमिंग और कैटेगरी कैसे पहचाने, तो दोस्तों इससे जानने के लिए हम जिस जो भी हमारा चैनल है दोस्तों उस कैटेगरी का, इसी कैटेगरी से रिलेटेड जो बड़े चैनल्स हैं दोस्तों उनकी हमें जानना पड़ेगा। उनसे जानने के लिए दोस्तों जैसे हमें चैनल ले लिया यहाँ पे रिकॉर्डिंग जैसे इस टाइम अभी चल रहा है, तो इसकी सीक्रेट जानने के लिए किस टाइम वीडियोस डालते हैं अपनी, साथ ही साथ किस टाइम डालने के बाद दोस्तों जो व्यूज़ आते हैं, फिर साथ किस कैटेगरी के चैनल्स किस कैटेगरी में डालते हैं अपनी वीडियोस को, वो सारा पता करेंगे आज वीडियो में ही। तो सिंपली अभी तक ऐसे कोई टूल वगैरह नहीं है जिससे हम पता कर सकते, सिर्फ हम टैग्स वगैरह पता कर सकते हैं कि टैग्स इस वीडियो में क्या डालें, और टैग्स तो हर किसी को पता ही आप लोगों को कि ट्यूब बडी वगैरह जो भी आपने ऐड डाल रखा है उसके थ्रू आपसे पता कर सकते हैं। तो अब मैं बात करना है दोस्तों कैटेगरी और सिंपली टाइमिंग की, यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोस्तों किसी भी एक वीडियो की, जो बड़े यूट्यूबर किसी भी एक वीडियोज़ की अगर जन्म कुंडली जाननी है, उस जन्म कुंडली हम आपको बताने वाला हूँ कैसे जानेंगे। तो सिंपली दोस्तों आप लोग कोई भी एक वीडियो जो आपको कैटेगरी से है उसकी कैटेगरी की आपको चैनल पे जाने के बाद उसका क्या, आपको सिंपली उसकी वीडियोस का लिंक कॉपी करना है। सबसे पहले यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हम लिंक कॉपी करने का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, कॉपी लिंक एड्रेस, सिंपली हमने कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया है। अब सिंपली मैं बात करूँ दोस्तों उसको जो वेबसाइट है ये है, आपको वेबसाइट की बात करूँ तो ये देखने MW मेटा डाटा करके आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट ए लिंक IDA वीडियो प्लेलिस्ट या चैनल, केवल आपका चाहे प्लेलिस्ट का जाना चाहो चैनल्स का जाना चाहो किसी भी उसको आपको कॉपी कर लेना है। बस आपको कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, यहाँ उसकी वीडियोस का लिंक जो हमने कॉपी किया था वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये MBA डेटा का जो मैं कमेंट में आपका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर सिंपली साइट पे आ सकते हैं, यानी तो इसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ MW मेटा डाटा लिखेंगे तो भी यह वेबसाइट आपको फ्रंट पे देखने को मिल जाएगी। सिंपली दोस्तों इसके बारे में पहले कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे शेयर देखते हैं वीडियोस वगैरह हैं काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह हैं, सारी बताऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंपल में इसकी वीडियो कॉपी की थी दोस्तों, हमें फिलहाल कैटेगरी है पूरी जन्म कुंडली जाननी है उसकी, तो उसको हम पहले चेक करते हैं। हमने यहाँ पे वीडियोस की कॉपी लिंक कर दिया, अब सिंपली क्या सबमिट कर देंगे दोस्तों। जैसे हम सबमिट करेंगे दोस्तों कुछ सेकंड के अंदर ही दोस्तों आप लोगों को पूरी लिस्ट नजर आ जाएगी उस वीडियोस की, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वीडियोस की हमने कॉपी किया था भी लिंक, तो यहाँ पे देख सकते हो उसका थंबल से लेकर दोस्तों उसके चैनल ID टोटली मतलब चैनल का जन्म कुंडली आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो सिंपल जैसे हम स्नैप करेंगे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों, चैनल आईडी देखने को मिल गई, पब्लिक सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह में क्या क्या डाला है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, मतलब अलग से आप कॉपी करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम नीचे हल्का स्क्रॉल करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखते हैं पब्लिश किसने किया है, डिकोडिंग YT के नाम से, जो कब पब्लिश हुई है 3 जुलाई, ये देखो दोस्तों टाइमिंग, ये बहुत बड़ा मैटर दोस्तों। बहुत लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं किस टाइम पे डाला है, किस टाइम पे अच्छा टाइम होता है डालने का, 10 दिन पहले वीडियो डली है और टाइमिंग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे
14.30.05 मतलब GMT में, हमारा क्या होता है IST में होता है दोस्तों, इंडियन में, ठीक है ना। तो अब इसे इंडिया में करने के लिए दोस्तों यहाँ पे चेक करना 14.30.05। तो इसके लिए आपको वेबसाइट, अगर दोस्तों मैं बात करूँ 14 की, तो उनके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 8 बजे की जो बेस्ट टाइमिंग है दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो की 8 बजे की टाइमिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये 8 बजे करीब आसपास की डाली गई वीडियो है दोस्तों, क्योंकि टाइमिंग चेंज होती रहती है दोस्तों। पहले अगर मैं अकॉर्डिंग बात करूँ 6-6:30 बजे काफ़ी अच्छी टाइमिंग होती है कैटेगरी के हिसाब से वीडियो डालने के लिए। तो जो वीडियो डाली है दोस्तों कितने 8 बजे करीब आसपास डाली है। एक बार और देख ले दोस्तों उनकी दूसरी एक वीडियो कॉपी करके, वो भी किस टाइम पर डली हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकी अगर सारी वीडियोस की बात करूं जो कि 14:30 के आसपास ही करीब डली हुई है सारी की सारी वीडियोस, मैंने चेक कर रहे हैं ऑलरेडी वीडियोस भी। तो दोस्तों एक बेस्ट टाइमिंग आप लोगों को हो सकता है दोस्तों इस कैटेगरी का, आपका कोई चैनल है तो दोस्तों, तो ठीक है ना, टैग वाला कोई चैनल है आपका, टैग अगर यूट्यूब वगैरह बताते हो उसका क्रेडिट चैनल है, तो आप किसी भी चैनल का लाके यहाँ पर चेक कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि 24 जून को डाला, 19 दिन आए गए पहले, तो यहाँ पे कितना 14:30 है ना कि 8 बजे करीब आप लोगों को ये इंडियन कन्वर्ट में होता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 8 बजे 2:30 यहाँ पे PM आ रहा था, मतलब कि 8 PM पे, मतलब कि रात के 8 बजे करीब वीडियोस डली है। तो बेस्ट टाइमिंग आप लोगों को सर देखने को मिल सकती है दोस्तों इस तरह की वीडियोस डालने के लिए। तो सब टाइमिंग तो हम लोगों को पता चल गया बड़े यूट्यूबर की हम किस टाइम पर डालते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उनके कैटेगरी की, किस कैटेगरी की वीडियोस में डाली हुई है दोस्तों। जैसे मैं हरका स्कोर नीचे करता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। कैटेगरी ID विच 27 विच मीन्स एजुकेशन, ये एजुकेशन पर्पज पर डाली गई है। तो आप लोग काफ़ी सारे वीडियोस में सर्च करते थे 100 पीपल वगैरह की, तो ये किस में डाली गई है एजुकेशन में। तो आप इससे भी दोस्तों जान सकते हो काफ़ी सारी वीडियोस चेक कर करके कि किस वीडियोस में डाली हुई है। इनके और कोई वीडियो चेक कर लेते हैं दोस्तों वो किस कैटेगरी में डाली हुई है। कॉपी लिंक कर लेते हैं हम यहाँ पे, बैक चले गए, यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि हमें चेक पा रहे हैं, हम जैसे हमने चेक कर लिया, यहाँ पीछे आ गए सारी की सारी वीडियो जो डली है दोस्तों कितनी एजुकेशन में। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरह से एक आइडिया देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि हमारे जो वीडियोस डालेंगे हम वो किस कैटेगरी की है, किस टाइमिंग की है। इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा अपने रिलेटेड चैनल्स के, बड़े जो चैनल्स हैं उनके देख देख के। तो वीडियो डालने का दोस्तों ये दो चीज़ तो बहुत पता चल गई दोस्तों की, जो मेनली चीज़ थी हम लोग पता नहीं होता थी वो पता देखने को मिल गया है। अब बात करें तो काफ़ी सारी वीडियोज़ इनकी देखने को मिल जाएंगी जो इन्होंने डाल रखी है। बाकी पूरा चैनल्स का ब्यौरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि चैनल्स में वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कब बना है वो चैनल, वो कहाँ का चैनल है, सारी चीज़ें। जैसे चैनल क्रिएटेड ऑन कितना 6 महीने एगो देखने को मिला है दोस्तों, 6 महीने पहले उन्होंने वीडियो डाली, मतलब चैनल बनाया था, तो उसके जो चैनल ID वगैरह सारी चीज़, व्यू काउंट कितना है इस वीडियो पे, सब्सक्राइबर काउंट अभी उनका कितना है, सारी चीज़ यहाँ पे वीडियो कितनी डाली है, तो उन्होंने 11 वीडियो डाली है, 74,800 उनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ कितने हैं टोटल उनके चैनल्स पे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। जो कि वो चैनल की कीवर्ड क्या है दोस्तों, सारी मतलब जन्म कुंडली खुल के यहाँ पे रख जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैं आपको एक बताए ट्रिक, आप टिप्स जो बताए आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक यूट्यूब में किसी ने इस तरह की वीडियोस नहीं बनाई है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बना के दिखा है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। अगर तो आप भी इससे रिलेटेड मजा, तो प्लीज़ जाके चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आई होप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपको कि जो वर्क करना है दोस्तों कितनी इजी तरीके से, आप जो किसी भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उसकी टाइमिंग पता चल जाएगी दोस्तों आप लोगों को, फिर वो टाइमिंग के साथ साथ किस कैटेगरी में वीडियो डालते हैं, ताकि हम भी अपनी जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि दोस्तों बड़े यूट्यूबर उनको तो पता होता है हर चीज़ की नॉलेज होती है, हम जो नए यूट्यूबर हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हम सारी चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। तो सिंपली वे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आता प्लीज़ कमेंट बताइएगा, पूरे सवाल कोशिश करूँगा आप लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए। इस तरह दोस्तों और वीडियोज़ देखने के लिए अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।